ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। शनि उदय। अरे महाराज, शनि अस्त ठीक से नहीं हुए, आप उदय का बात करने लग गए। जो आगे का सोचे और बहुत दूर तक देखे, उसी का नाम तो संजय। तो मेरे प्यारे, शनि 7.5 अफेक्टेड इन्फेक्टेड रिएक्टेड मकरू मटका मछली, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। हालांकि अभी कुंभ और मीन के लिए तो है पीरियड अफेक्टेड, लेकिन वे भी चाहें तो उनके लिए भी एक उपयोगी समय रह सकता है, लेकिन मीन के लिए नहीं रहेगा। बहुत सारा एरोगेंस और बहुत सारा जिद्दीपना, और अभी भी कुछ मीन वाले नया बिजनेस, नया इन्वेस्टमेंट करके गड्ढा में कूदने के लिए मानसिकता बना के रखे हैं, तो उनके लिए उतना ज़्यादा विषय नहीं है। लेकिन हाँ, इस वीडियो से ये जान सकते हैं कि शनि 7.5 में इस समय जो उनका खुजली बढ़ा हुआ है, मकरू लोगों का कैसा फट के फूल हुआ था, और फिर भी वो गलती करना चाहते हैं। जिद्दीपना, दूसरे को नहीं समझना, ये तो चल रहा है अभी, बहुत सारे कैसे सारे हैं। लेकिन प्यारे मकरू, साथ में मटका और मछली तीनों को कह रहा हूँ, ये 7.5 के शनि अस्त का जो सिचुएशन है, और इधर गुरु बृहस्पति मेष राशि का करीब करीब 60% भोग करके आगे चल रहे हैं, 40% है, और एक प्रकार का एक फास्ट मूवमेंट ही चल रहा है। और इस समय आकाश में मार्गी ग्रहों का परिस्थिति बहुत अच्छा है, लेकिन परिणाम देने के लिए जो ताकत शनि से लेना चाहिए था वो नहीं ले पाए, और देगा भी नहीं शनि, क्योंकि शनि कॉम्बस्ट हो जाएगा। शनि के घर में रहने वाले देंगे जरूर, उतना नहीं देंगे। ये तक तो अभी तक हम लोगों का समझ है, इसलिए इस बार मंगल गोचर और इसका उतना ज़्यादा मैं राशिफल पे फोकस नहीं किया। कारण ये है कि यहाँ से जितने सारे बड़े बड़े राशिफल हाँकने वाले, मैं भी उसके अंदर से किसी को नहीं बोल रहा हूँ, हाँक भी दें, लेकिन धंधा मंदा ही है, और कोई कोई तो ड्रॉप डाउन में भी जाएगा। परंतु इस ड्रॉप डाउन अवस्था में जब आपका धंधा पानी ठप चल रहा है, जीरो चल रहा है, उनके लिए कह रहा हूँ, इसमें मायूस होने का कोई विषय नहीं है। देखिए, मेरे पास जैसे जैसे कंडीशन पे कुंडली आता है, क्वेश्चंस आते हैं, उसी आधार पर बनाता हूँ। तो मैं ये तो पहले जिस समय वर्षफल निकाला था उस समय ही बोल दिया था कि भाई इस समय ड्रॉप डाउन पे जाओगे, ब्रेकडाउन शटडाउन होगा, मेंटेनेंस होगा। ये फैक्ट्री के लिए भी बोल रहा हूँ और सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एक टाइम हो सकता है एक मायूसी का रहेगा, लेकिन ये अप डाउन फेज रहेगा। कभी वोल्टेज अब ज़्यादा हो जाएगा, कभी एकदम लो वोल्टेज में चलोगे, कभी धड़ल्ले से चल जाएगा, कभी स्लो डाउन हो जाएगा, कभी ड्रॉप डाउन हो जाएगा, कभी ठप पड़ जाएगा, ये अभी रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, आप याद करो, जो लोग 50-60 साल उम्र के होंगे, उस समय 100 वाट वाला बॉल आता था, वोल्टेज नहीं आए ग्रामीण क्षेत्र में। आप शहर वाले शायद इसको नहीं फील किए होंगे, बॉल तो जल रहा है लेकिन डीम जल रहा है, मतलब लाइट नहीं दिख रहा है, लेकिन लाइन है, लेकिन जितना पावर होना चाहिए वो नहीं है। तो शनि अस्त होने से आसपास ऐसे ही इफेक्ट होने वाला है, यानी लाइट है, बॉल है,
अब देखेंगे वो लाइट जलता रहेगा जलता रहेगा। कभी कभार इट इज़ नॉट पावर फेल्योर, पावर है लेकिन लाइट नहीं जल रहा है, जितना होना चाहिए वो नहीं। तो एक प्रकार का शेडो भी है और लाइट भी है, बस एक ठो बल्ब जल रहा है दूर से अंधेरा में दिखाई दे रहा है। हाँ अगर अमावस्या का रात हो तो उस लाइट में भी चल जाता है काम, लेकिन उस लाइट से आप पढ़ नहीं सकते, उस लाइट से कोई काम नहीं कर सकते। यानी डिम लाइट जल रहा है, और उस समय गांव में हम लोग डिबरी भी जलाते थे, डिबरी मतलब डिब्बी किरासिन घासलेट वाला छोटा सा बोतल, उसमें एक ठो कपड़ा उड़ा के डालते हैं उसी में। मैं ये 40 साल पहले 45 साल का बात कर रहा हूँ, और उसमें फिर घर में खाना बनाना और बाकी काम करना। तो ये जब कम्बस्ट होंगे जलेंगे तो नेचुरली ये एक टाइम पीरियड रहेगा जहाँ एफर्ट बहुत हो जाए लेकिन रिजल्ट नहीं आए। हर जगह में आपको लगेगा कि मैं ताड़ दे रहा हूँ, मोड़ दे रहा हूँ, उखाड़ दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, उल्टा के पटक दे रहा हूँ, हो रहा है मैं दौड़ रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार के कार्य का जो आउटपुट फाइनल रिजल्ट बनाओगे वो 0-0 ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 0 नहीं भी हो, किसी का कुंडली बहुत मजबूत है तो 0 नहीं भी हो तो भी वहाँ 5-10-20% पार कर लिए तो काफ़ी है। अच्छा जिसका पहले से पड़ा हुआ है शायद हो सकता है 50 तक भी चला जाए तो चला जाए, लेकिन ये रेयरेस्ट लोगों के साथ होगा, 10-20% लोगों के साथ होगा। मैक्सिमम लोगों को इस सनी कॉम्बस्ट के क्षेत्र में भाव फल, भाव आधारित फल के आसार पर रिजल्ट तो कम मिलेंगे। हाँ वो प्लांट अपना रिजल्ट करेंगे ज़रूर, लेकिन उसमें क्या होगा, उस हाउस में पावर नहीं होने के कारण डिम जलेगा, तो वो जो रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं होगा। तो नहीं हो तो क्या करें, जब नहीं होता है तो फ्यूचर के लिए होमवर्क एंड फील्ड वर्क करना चाहिए। तो ये वीडियो खास उन्हीं के लिए, क्योंकि विगत 5 सालों में ये चैनल जब से मेरा मोमेंट हुआ, जितने लोग भी मुझे कुंडली दिखाए हैं अगर उसमें से 2% काट दो, चलो 5% भी काट दो, बाकी 95% वे लोग ही कुंडली दिखाए हैं जो किसी ना किसी ऊंचे सोर्स पे काम कर रहे हैं। कोई लीडरशिप में है, किसी का फैक्ट्री है, किसी का इंडस्ट्री है, किसी का ऑफिस है, किसी का कोई कभी करोड़पति था, अरबपति था, खरबपति था, डरबपति था, कभी उसका बहुत अच्छा धड़ल्ले से बिजनेस चल रहा था, और जो लोग पस्त हो गए, डाउनफॉल में आ गए, 0 पे आ गए, सनी 7.5 का मार बहुत हैवी हुआ, बिजनेस डामाडोल हो गया वगैरह वगैरह, वो तो स्टोरी है ही। सोने गहने बिक गए, बीबी का गहना बंधक रह गया, बच्चों का फीस देने के लिए नहीं रहा, मान सम्मान हानि हो गया, ये तो जनरल स्टोरी है ही 7.5 का। किसका हाथ टांग पैर, किसका आँख, कोई तंत्र मंत्र जंतर, कोई जादू टोना, कोई बदनामी, कोई धोखा था, तो फेज तो ख़त्म हो गया। आगे का फेज में अगर होगा तो 2-3% लोगों के साथ होगा, सबसे ज़्यादा तो और नहीं होगा। परंतु अभी क्या है, ये जो टाइम पीरियड है, मैं जैसे आज से 6 महीना पहले वीडियो बनाया था कि ये टाइम है रिकवरी का, और उस रिकवरी टाइम जोन में इस 1.5 साल में अगर आप अपने को प्रिपेयर करते हो तो 7.5 ख़त्म होते होते आपको कुछ बड़ा एक उछाल मिलेगा। जनरली मैं आश्लो जी मैं बोलता हूँ कि सही मुहूर्त, सही शुभ मुहूर्त, सही लग्न, सही होरा, सही तिथि, सही बार, सही नक्षत्र और आप, ये मिलना 30 दिनों में शायद 2.5 दिन होता है, जो आपके लिए गोल्डन जोन रहता है, अच्छा रहता है। जैसे आज पाकिस्तान का इलेक्शन हो रहा है तो इस क्षेत्र में इस इलेक्शन का कुंडली को अगर देखते हैं है तो अच्छा, लेकिन जो नेत्रबुर्ग है उस नेत्रबुर्ग के जो स्थिति है उनके लिए तो अच्छा नहीं है।
तो क्या इसमें वो लोग उधार पा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, एक संभावना है। लेकिन इस समय जो जनता, जनता माने शनि, कंबर्शन में चल रहा है, उनका इलेक्शन बनेगा तो जनता का पावर तो नहीं रहेगा, तो अनपावर पीपल्स उनका सिलेक्शन और वो देश का हाल, मतलब एक गलत टाइम। तो ऐसे ही शनि के पूरे मोमेंट में अगर सबसे बढ़िया मोमेंट कहा जाता है 3, 6, 11 को कहते हैं। तो अभी मार्च घुस रहा है, अगला मार्च अप्रैल तक आपको तीसरा शनि मिल जाएगा, तो एक साल का और टाइम रहा, और एक साल नो डाउट एक प्रिपरेशन का टाइम पीरियड है, और इस एक साल में अगला 3 महीना अंगारक ग्रहण जैसे समस्या और बृहस्पति कॉम्बस्ट जैसे जो प्रॉब्लम है वो निपट जाएंगे। तो इस क्षेत्र में एक सबसे बड़ा मकर के लिए पॉजिटिव पार्ट और कुंभ और मीन के लिए भी एक पॉजिटिव पार्ट रहेगा, हालांकि कुंभ के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगा, चतुर्थ गुरु बृहस्पति हो जाएंगे और देखना उस समय सभी एस्ट्रोलॉजर चतुर्थ गुरु बृहस्पति का बड़े बड़े डिंग हाँकेंगे, बड़ा बड़ा बात बोल देंगे, जैसे मकर वालों के साथ हुआ, चतुर्थ का अच्छा फल, और क्लासिकल टेक्स्ट में देखा कि कोई मरेगा, धन हानि होता है, मानसिक तनाव देते हैं, माता का स्वास्थ्य जाता है। लेकिन ये सब मैं जब बोलूँगा तो बोलेंगे नेगेटिव बोल रहे हो, पॉजिटिव बोलो, डरा रहे हो। मतलब मैं नहीं बोला, शास्त्र में लिखा है, गोचर फल में, गोचर के लिए बहुत अच्छा पुस्तक है, तो वो मेरा कलेक्शन है गोचर फल को बोलने के लिए। सभी पुस्तकों का जितना गोचर फल है उसको उसमें एक सेट में कर दिया हूँ गोचर पढ़ाने के लिए मेरे बच्चों को, तो इसलिए मैं उसको कोट करता हूँ, जब मेरे को कोई कम नेगेटिव बोला तो कोट कर देता हूँ। ये कहने का तात्पर्य ये है कि पूरा हिसाब तो यही कह रहा है कि 7.5 का समापन का एक साल तो है, बकरी मार्गी सब मिला के अप्रैल मई महीना तक का, लेकिन एक बड़ा सा जो पंचम बृहस्पति मकर के लिए, चतुर्थ बृहस्पति कुंभ के लिए, तृतीय बृहस्पति मीन के लिए, तो कुंभ और मीन के लिए तो नेगेटिव है, भयंकर नेगेटिव है। तृतीय बृहस्पति का फल तो ऑलरेडी बताया हूँ, ग्रह स्थिति के अनुसार भी देखो बृहस्पति ही तो बचाने वाला है। अभी मकर राशि और पीड़ित होते हैं, लेकिन घूम फिर के भले नेगेटिव हाउस हो लेकिन चतुर्थ तक पहुंच गए तो मकर वाले एक प्रकार का सेफ जोन पे आए। लेकिन अब जो टाइम पीरियड है प्यारे मकरू, डालो गियर और टॉप गियर में भाई भाई चलाने का टाइम है, लेकिन कौन चलाएगा, कौन लोग चलाएंगे? वही चला सकते हैं जिनका प्री प्रिपेरेशन होमवर्क फील्ड वर्क स्ट्रांग हुआ हो, और यही बात 6 महीना पहले से भोक रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग का तो मेरे को खबर आ रहा है कि हाँ कुछ प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं, अपने को साधना कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, अपने को मजबूत करने के लिए अपने ऊपर काम कर रहे हैं। इस नेगेटिव पीरियड में भी वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, यज्ञ हवन इत्यादि। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेचुरल वे में मिलेगा, कोई बात नहीं, उनका भी कॉन्सेप्ट ठीक है, और मैं उनको एग्जांपल देता हूँ कि नेचुरल वे में अगर मिलेगा तो रोड के किनारे एक पेड़ है और एक आपका घर में गमला में लगाते हो या ज़मीन में लगाते हो, अच्छा से सींचते हो, पानी देते हो, दोनों का आउटपुट रिजल्ट देख लो, एक ज़्यादा फल देता है एक कम फल देता है, क्योंकि उसका एक का कोई मालिक नहीं है। तो इसमें पूरा फोकसिव सब्जेक्ट तो यही है कि पंचम में जब गुरु बृहस्पति जाएंगे, जरूर आपके लिए द्वादशाधिपति तृतीयाधिपति पंचम में जाके संतान बाधा, संतान पीड़ा, संतान में समस्या, लबरा लबरी क्षेत्र में भी है, हाँ
शिक्षा क्षेत्र में भी, हाँ वो तो अपना कारकत्व का तो फल देंगे मकरू के लिए, लेकिन कुंभ के लिए तो लाभाधिपति भी हैं, मीन के लिए कर्माधिपति भी हैं, तो उनका तो अपने लेवल का रिजल्ट होगा, लेकिन मकर के लिए इस समय रिजल्ट क्या होने वाला है। गुरु यहाँ बैठते ही जो जो जगह में दृष्टि देंगे, मैं अभी उसको डिसीजन डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, स्वाभाविक पंचम में बैठा तो लाभ स्थान में देखेंगे ही, और पंचम में बैठ के आपके भाग्य स्थान को भी देखेंगे, आपके ऊपर भी जाएगा दृष्टि, और ये तीनों आपके लिए एक बहुत बड़ा मतलब सफलता का हाउस है ही, 5-9-1। तो दृष्टि से, स्थिति से नहीं, दृष्टि से तो निहाल करने वाले हैं। बोले आप बताओ, ये तो केंद्र में बैठ के भी आपका निहाल कर रहे थे। हाँ, बहुत सारे मकरों का नौकरी जाने वाला था गुरु का, जब से एकदम शुद्ध दृष्टि हुआ बचा, द्वादश स्थान में खर्चा को बचा दिया, नहीं तो और ज़्यादा खर्चा पड़ते। और आपके अष्टम स्थान में जो मृत्युतुल्य पीड़ा इस बार आने वाला था शनि का दृष्टि से, गुरु का दृष्टि बचाया है तो किया तो है, लेकिन चतुर्थ का मेंटल टेंशन, माँ का स्वास्थ्य, चतुर्थ का भूमि भवन वाहन, खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, ये सब कहाँ से हुआ? मेरा मना करने के बावजूद ही बहुत सारे लोग बेचे, तो कौन लॉस कराया? करा दिया, ठीक है। मैटर वहाँ नहीं है, मैटर मेरा यहाँ है। मेरा वीडियो उनके लिए है जो लोग ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप में कोई प्रोग्रेसिव काम करना चाहते हैं, ये करते थे, डूब गए थे, उनको दोस्त धोखा दे दिया था, उनका मित्र बंधु धोखा दे दिया था, उनके को पार्टनर धोखा दे दिया था, दोबारा कमर टूट गया था, उठने के लिए मेहनत कर रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, लोग नहीं मिल रहे थे, पैसा नहीं मिल रहा था, पूंजी नहीं मिल रहा था, और अभी थोड़ा थोड़ा आशा लग रहा है कि हाँ हम लोग खड़े हो जाएंगे, एक मनोस्थिति बना हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में वर्तमान समय में जब एक शनि कॉम्बस्ट गुरु बृहस्पति एकदम ताव में आ रहे हैं, और देखिए दोनों का ग्रहफल पता है ना, शनि उतरने के बाद देते हैं या लास्ट में देते हैं, मंगल सूर्य पहले से ही दे देते हैं, गुरु बृहस्पति मिड से लेके आगे तक देते हैं, फुल पावर में आने से गुरु को देने के लिए भी उनको एक चाहिए पावर, तभी जाके देंगे, नहीं तो नहीं दे सकते, तो वो आ गया है अभी, तो नेचुरली उसका नेगेटिव फल भी मिलेगा, पॉजिटिव फल भी मिलेगा। और नेगेटिव बता दिया हूँ, किसी को बुरा खबर मिलेगा, किसी को सुसंवाद मिलेगा, किसी का भयंकर धन हानि हो जाएगा, किसी का भूमि भवन वाहन बिक जाएगा, तो ये कंडीशन तो होगा। लेकिन उसके उपरांत भी वे लोग जो अब तक प्रिपेरेशन कर रहे थे, तैयारी, उनके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर बनेगा, और जो लोग नहीं कर रहे थे उनको मैं कहना चाहूँगा कि भाई शुरू हो जाओ। तो क्या, एक जो पहला काम है, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नया लोगों तक पहुँचना और पुरानों को हटाना, पुरानों को नहीं बना सकते, और जो पुराने हैं, जो आपके बारे में लूप हॉल को जानते हैं, आपके कचड़ा को जानते हैं, आपका नाम बदनाम, शत्रु मित्र, आपके कमजोरी को जानते हैं, उनको हटाना है और नया लोगों को लाना है। आप बोलोगे कैसे आएंगे गुरुजी, ये तो पॉसिबल नहीं है, ग्रह हैं आसपास ही मंडरते रहते हैं, या तो हम भाग जाएं छोड़ के, यानी आपको नहीं छोड़ना है, उनको डाइवर्ट कर देना। बोले वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो डाइवर्ट कैसे होंगे, हमारे ऊपर ही नज़र गाड़ के बैठे रहते हैं, हम क्या किए, क्या पाए, कब पादे, कब हगे, कब सुसु किए, सब उन्हीं को, उनको नज़र है। हाँ, उसके पीछे कारण क्या है, आपके बॉडी का ऊर्जा, एनर्जी। देखो, जिसके कुंडली में, लग्न में, राशि में अगर एक पाप ग्रह बैठ जाए
जनरली ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, जैसे सोचो लग्न में मंगल, बनाओ उसके साथ मित्रता, एक बार दिखा दो मित्रता बना के। लग्न में शनि सैटर्निक होगा तो बना देगा, नहीं तो नहीं बना सकता। देखना किसी किसी का केमिकल कंजक्शन के बड़ा जुड़ता है, किसी किसी का रिपल्सन हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है या फेंका हुआ हो जाता है। कारण क्या है? लग्न में पाप ग्रह तो बैठेंगे ही कहीं ना कहीं। अच्छा कभी कभार देखना, दोस्त दोनों अच्छे दोस्त हैं लेकिन दोनों अगर किसी वर्किंग ऑफिस में चले गए तो वहाँ दोनों का पाप, एक का पाप ग्रह एक्टिव हुआ, उसको डिपल उभाग जाएगा वहाँ से। या पार्टी में चले गए, भोजन स्थान में चले गए तो क्या होगा? वो नहीं रहेगा, वो अपना जाके अकेले खाएगा, कुत्ता जैसे उठाया प्लेट और साइड में कोना में गया, गब 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 खा दिया, उसके बाद मुँह माँ पूछ के आ गया। क्यों है? बड़ा रहस्य है ये सब, छोटा छोटा बात है लेकिन बड़ा रहस्य। लेकिन ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है। मेरा सब्जेक्ट क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि नया लोगों का टीम बनाना, टीम वर्क करना, एक वो कैसे पॉसिबल है? पहले अपने से, यानी अपने को सुधारोगे देश सुधरेगा, हम सुधरेंगे देश सुधरेगा। परम पूज्य गुरुदेव राम शर्माचार्य, हम नहीं सुधरे देश नहीं सुधरेगा। आपके जीवन में भी देखे होंगे एक टाइम पीरियड आता है जब पुराने दोस्त भाग जाते हैं, नया दोस्त आ जाते हैं, या फिर कुछ एक टाइम गैप रहता है जब कोई दोस्त नहीं आता, कोई नौकर नहीं आता, कोई सपोर्ट सर्विस नहीं आता, आप अकेले चलते हो और वो टाइम पीरियड रहता है कि आप खुद को ज़्यादा समय दे पाते हो और अपने को सुधार करते हो, निर्माण करते हो। और जब निर्माण कर लेते हो तो फिर नया नया लोग आ जाते हैं। इसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सही पर पात्र नहीं मिलता, नहीं आता है, लड़की के कुंडली में मंगला मंगली है या शनि बैठा है या सूर्य के कारण नहीं आता। कारण यही है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर जो सीवियर नेगेटिव प्लानिटरी एनर्जी है तुम उसको रिलीज डाउन नहीं किए हो। हम लोग क्या करते हैं, कोई आने से इस प्लानिटरी एनर्जी को रिलीज डाउन करते हैं, रिलीज डाउन होते ही उसके ज़िंदगी का एनर्जी क्षेत्र चेंज होता है, फिर नया लोग आते हैं। जैसे सोचिए हिटलर के शब्द में क्या था, जो लोग भाषण सुन के पागल हो जाते थे, मरने के लिए मारने के लिए तैयार। हमारे 56 इंच के अंदर क्या है, ऐसा कुछ तो है ना, जिसके लिए उनके बाद में लोग ये लाखों वीडियो उनके विरुद्ध में बनने के बाद भी, आज मैं डाटा ले रहा था सुबह सुबह, बोलो ना ना मोदी को ही देंगे, मोदी ठीक है, बोले महंगाई, बोला ठीक है, बोले देखो ऐसे ऐसे सब सीएम को अंदर घुसा दे रहा है, मोदी ठीक है, मतलब अंधे भक्त पड़े हैं। तो बोले देखो ये समस्या है, बेकारी बेरोजगारी, बोला वो इंदिरा जी के समय भी था, वो सोनिया जी के समय था, कांग्रेस समय था, आज भी है, महंगाई उनके समय भी था, हम चिल्ला रहे थे महंगाई महंगाई बोल के, तो अभी हो गया, क्या प्रॉब्लम, मोदी जी को देंगे। हला शाबाश, वेरी गुड। तो मैं डाटा लेते रहता हूँ और वो लोग निचोड़ है सोसाइटी का, अब जीतेगा हारेगा अलग बात है, लेकिन जो लोगों का मत है कि इतने सारे, जब भी वीडियो खोल लो, जब भी आप देख लो तो मोदी जी के विरुद्ध में बोलने वाले तो लाखों हजारों 56 इंच विरुद्ध, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है बाबू। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ध्यान देवें, मैं अभी राजनीति का बात नहीं कर रहा हूँ, आप जानते हो बढ़िया से मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, और जब पॉलिटिक में उतरूंगा तो भयंकर उलटूंगा। तो इन्फ्लुएंस कहाँ से आया? आप मोदी जी का जिंदगी को देख लीजिए, साधना तपस्या तो है। तो वो पार्ट मैं आपको कह रहा हूँ। सेकंड पार्ट क्या, सीखना चाहिए हमारे देश का नेता है, पुराने कचड़े गधे जितने सारे बैमान सिंह हैं उनको ले के भरो, जो मास्क पहन के घूम रहे थे अच्छापन का, लगाओ छोड़ दो। कुत्ता बहुत सारे कुत्ता पकड़ के रखे, पाल के रखे हैं, खिला पिला के एकदम छोड़ दिया कुत्ता, एकदम ला के 8-8 घंटा जेरा करेगा, ठंडा पड़ गए, कश्मीर से भी बड़ा प्यारा बात बोलने लगेंगे। कल तक जो ताव दिखाता था, छाती दिखाता था, आज बोलते हैं हाँ ठीक है राम मंदिर अच्छा है, बोलेगा ना कहाँ जाएगा। तो ये पॉलिटिक्स है। अब मैं इस किसी का सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ आपको
ग्रह्य शुद्धता, शरीर शुद्धता और जीवन में कार्यक्रम, ये बता रहा हूँ। देखो इस चैनल में तो मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, बड़े बड़े तबके के मुसलमान लोग भी मेरे को कुंडली दिखाते हैं, इसलिए मैं यहाँ ना जात भेद, ना लिंग भेद, ना राजनीति पार्टी भेद उसका बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखो ये एनर्जी है, और जो मुख्य बात आपके समक्ष सेवा में देना चाहता हूँ वो ये है कि इस समय मैं ये वीडियो खास उनके लिए जो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, कोई नया आयाम बनाना चाहते हैं, और जिनका ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेटअप, फैक्ट्री एसेट्स, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस, ऑफिस चल रहे हैं, जो लोग इस कारण पीड़ित थे उनको कह रहा हूँ। आवश्यकता क्या है? गुड लीडरशिप, अच्छे नेतृत्व, और उसके लिए क्या चाहिए? राइट मैन पावर, राइट लीडरशिप। इस बात ये पूरा वीडियो का जो मैं इतना बड़ा बेस बनाया, अब उनका कंक्लूजन दे रहा हूं कि आपके पास अगर हेल्पिंग हैंड नहीं है, आपके पास अगर अच्छे मैन पावर नहीं है, आपके पास अगर अच्छे टीम नहीं है, आपके पास अगर अच्छे लीडर्स नहीं है, आपके पास अगर अच्छे नया बच्चे नहीं है, आप पुराने धड़ल्लों को लेके क्या उखड़ोगे? तो असम वाली चाय वाले मैडम जी, आपको बता रहा हूँ, उस समय शायद आप लोगों से मेरा बात भी हो रहा था और आप अपना बात बताए, ये समस्या। लेकिन देखो गृहस्थिति तो यही कह रहे हैं कि अल्टरनेटली कल आप ही के हाथ में तो सब चाबी आएंगे, और उस समय अगर आपका टीम बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं है तो याद रखो पुराने जितने सारे गधे वहां मैं देख के आया आपको ओवरट्रैप करेंगे, आपके ऊपर ओवर पावर करेंगे, आपको समझा देंगे, तब तो अपना गद्दी बचाने का भी स्थिति मुश्किल हो जाएगा। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बुरा मत मानो, बाकी सबके लिए। यानी आपके पास जब थर्ड शनि का बेस्ट टाइम जोन आता रहेगा, धन के घर में राहु बैठा रहेगा धन देने के लिए, बमाबम करने के लिए, और अष्टम का केतु गलत नहीं है, भड़ाम करके लाके पैसा देता है, बड़ा अनुभवी हूँ इस अष्टम का केतु के पति, हाँ बीमारी वगैरह देता है, अचानक मृत्यु वगैरह देता है। मैं ये 3 साल का प्लानिंग बता रहा हूँ आने वाला, मतलब जब तृतीय का शनि रहेगा, अभी से बता रहा हूँ, मीन का शनि, और इसी हिसाब में कुंभ और मीन का लिए भी एक प्रोग्रेस टाइम पीरियड रहेगा, बचेंगे ना थोड़ा बहुत इनके लिए। कुंभ के लिए तो आज जो मकर का स्थिति है वही रहेगा, मीन का आज कुंभ का स्थिति वही रहेगा, लेकिन मकर के लिए एक पॉजिटिव बिल्डअप देते जा रहा जाएगा। लेकिन इस समय आप बोलोगे कि जब होगा तब मिलेगा, अभी हम बैठे हैं और उंगली चूस रहे हैं, तो उस समय भी चूसते रहोगे क्योंकि ना फील्ड वर्क किया ना होमवर्क किया। तो इसमें 2 पार्ट है, एक 6 महीना पहले आपको वीडियो दिया था कि ये 1.5 साल अपने ऊपर काम करने का टाइम है, अभी कह रहा हूँ ये जो 6 महीना अगर आप अपने फेज कंप्लीट कर दिए हो, अपने ऊपर काम कर दिए हो, अब बाहर निकलो, नया लोगों को पकड़ो, नए व्यक्तियों को पकड़ो, नए इंसान को पकड़ो। बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखिए पुराने से काम होना होता तो आपका आज ये हालत नहीं होता ना महाराज। और दूसरा, ये लीडरशिप वाले भाषण देते हैं पुरानों को ट्रेनिंग दो बना दो, मैं कहता हूँ एक लात मारो और भगाओ, लेकिन भगाने से पहले आप एक नया टीम बिल्डिंग में काम करो। जानते हो हमारा देश का सबसे बड़ा कचड़ा, गंदा आदत क्या? हम ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते और ट्रेनिंग देना भी नहीं चाहते, सीखना और सिखाना नहीं चाहते, और कोई भी काम को किसी को अगर हम लोग देते हैं तो उसको फिर फॉलो अप नहीं करते, चलो वो कर देगा, जब वो बिगाड़ता है, बेड़ा गलत करता है तब रोते हैं। तो अभी का जो समय है
यानी ये जो पर्टिकुलर 6 महीना जिस समय गुरु परिवर्तन होंगे, गुरु अपना डैमेज करेगा, डाउन एनर्जी पावर बल उसका कम जलेगा, शनि अभी चलो करीब करीब और 60-70 दिन तब तक गुरु भी डैमेज होता रहेगा, मतलब कम पावर में आता रहेगा। भाई 0 में स्टार्ट करें या 26-27 ऐसे डिग्री पे आ जाए तो तब तक शनि उदय होते रहेंगे ऑफिशियली का बात नहीं कह रहा हूँ, ऑफिशियली तो कम दिन का है लेकिन प्रैक्टिकली शनि ज़्यादा दिन तक उदय अस्त रहते हैं, मतलब उनको काम करने में देने में लाइट टाइम लगता है, उसमें वोल्टेज आने में बॉल में। तो ये जो आप इसको रिसेशन पीरियड बोलो, रिग्रेशन पीरियड बोलो, डाउनफॉल पीरियड बोलो, ड्रॉप पीरियड बोलो, अगर जो मेरा बोलने के अनुसार 6 महीना तक अपना काम किए हो तो अब नया व्यक्तित्व का ढूंढना, प्रशिक्षण देना, फिल्टर करना, अच्छा व्यक्ति को लाके रखना और इस ट्रेनिंग प्रोसेस में इन्वेस्ट करना, TNDC ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है, मैं बार बार इसको एग्जांपल देता हूँ मेरे मैनेजमेंट क्लासेस में, एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, 70-80 के दशक में बड़े बड़े दिमाग कंपनी के बड़े बड़े मशीन्स तोड़ फोड़ के डैमेज होके स्क्रैप यार्ड में गिरा, जर्मन का था तो जर्मन वाले आए के पास लेटर दे दिया कि आप लोग डुप्लीकेट दिए, टूट गया। दिमाग कंपनी जो लोग जानते होंगे, हैवी इंजीनियरिंग, बड़ा बड़ा मशीन बनाता है, बोले हम लोग कोशिश करके तोड़ नहीं पाए, तुम बंदर लोग तोड़ दिया। आए, ढूंढे, रिसर्च किए, बोले हाँ बंदर के हाथ में मोती, बंदर के हाथ में सालीग्राम, बंदर के गले में मोती का हार, इसलिए टूटा। 2 साल रिसर्च किए कि क्यों मशीन इतने सारे, आप कभी देखोगे तो मैं ये 60-70 का मशीन्स का बात कर रहा हूँ, बड़े हैवी हैवी लेद मशीन्स थे, आज भी हैं, देख के आना, आज तक नहीं टूटा, बहुत मजबूत। आज के डेट में ऐसे शायद मशीन बनते भी नहीं होंगे। और फिर बनाया गया TNDC ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर उस स्टील प्लांट में, और आप बिलीव करो मत करो, उसमें ऐसे ट्रेंड बच्चे बने कि वो लोग सभी स्क्रैप मशीन को ला के फिर से रिबिल्ड करके, फिर से रिप्लांट करके करोड़ों का मुनाफा कमा के दिए हैं। तो ये खेल है आपके जीवन के साथ, लोग बहुत घूम रहे हैं लेकिन फिल्टर करके सही लोगों को लाना। 3,500-4,000 डेली का फोन आता है, कुछ लोग बिना फालतू का फोन करते हैं, थोड़ा सा गुरुजी बता दीजिए मकरू का क्या होगा, थोड़ा गुरु बता दीजिए मीन का क्या होगा, थोड़ा गुरुजी मेरा पति को समझा दीजिए वो समझ नहीं रहा है, तो ये चलते रहता है। लेकिन ओरिजिनली वहाँ से जो टेक्निकली सही कुंडली दिखाने वाले या मेरा समय का दुरुपयोग ना हो उसको फिल्टर करना और ला के मेरे तक पहुँचाना, तो 3,000 में से मुश्किल से 3 या 30, उससे ज़्यादा तो नहीं। फिर उनके ऊपर टाइम देना, काम करना, तो ये है खेल। ऐसे ही लाखों हाथ हैं लेकिन कामगार हाथ कम होते हैं, लाखों पैर हैं लेकिन सही दिशा में चलने वाला पैर कम होता है, लाखों भेजा है लेकिन क्रिएटिव भेजा कम होता है, तो कहाँ से ढूंढोगे? अच्छा, कुछ लोगों के अंदर गुप्त सत्ता और शक्ति है, उन्हें नहीं पता, तो उनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देने से, एनवायरनमेंट देने से, माहौल देने से, ऐसे पर्यावरण देने से उजागर होता है और फिर वो बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ मेरा जो कहने का अभिप्राय है, जो भाव है, वो ये है कि अब घर में मत बैठो, निकलो नया युवाओं को पकड़ने के लिए। देखो, माओवादी बनाया जाता है ना, तो 18 साल से 25 साल युवक को बनाया जाता है, बूढ़ों को नहीं, बूढ़ों को भगाओ, बूढ़ों का अनुभव लो यार, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बुजुर्गों के साथ अन्याय नहीं,
मेरा मकसद कुछ अलग है, प्लीज अन्यथा ना लें। मैं ये ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर के लिए बोल रहा हूँ, जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते, संगठनिक, इंडस्ट्रियल, फैक्ट्री इत्यादि, ऑफिस। तो ये फर्स्ट पार्ट है। दूसरा ये कि नवीन शक्ति चाहिए। चौथा ये है कि उनको ट्रेनिंग कंटिन्यू देना है, ट्रेनिंग प्रोसेस पे लेना पड़ेगा। किनको फिल्टर करके, सबको नहीं, कुछ लोग तो लेबर ग्रेड के होते हैं, 240 रुपया वेज चाहिए उनको, मालिक का क्या बिगड़े, जाना आना नहीं है, हमारा महीना का तनख्वाह मिल जाना चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस महीना 5-10 हज़ार रुपया हो जाए तो चलेगा, उनके लिए ये बात नहीं है, उनको रहने दो उनके क्षेत्र में, वो कहीं भी 5-10 हज़ार कमा के खा लेंगे। कीड़े मकोड़े जानवर लोगों के लिए मेरा ये वीडियो नहीं है, उनको ठीक है। मैं यहाँ उनके लिए कह रहा हूँ जो अरबपति, खरबपति, करोड़पति, बड़ा लेवल पे, संगठनिक लेवल पे काम करना चाहते। तो नया व्यक्ति कहाँ से मिलेगा? एक तो अपने अंदर का सुधार, दूसरा क्या, आपको लोगों तक पहुँचना पड़ेगा। और इस समय इलेक्शन का टाइम है, आपको बड़े बड़े मीटिंग होने नहीं देंगे, बड़े बड़े कॉलेजेस में अलाउ भी नहीं है। तो करोगे क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ बड़ा बड़ा मीटिंग, छोटे सांप ज़्यादा जहर, छोटा छोटा गांव तबके में उनको उस प्रकार के बच्चों को, व्यक्ति को, बेस्ट लीडर्स को, बेस्ट बच्चों को ढूंढना, बुलाना, वहाँ से स्क्रूटनी करना, फिल्टर करना, और ट्रेनिंग प्रोसेस में उनको चला के छाट लेना है। कचड़ा गर्दा है हटाओ, उनको नौकरी वोकरी में भेज दो, क्योंकि लीडर्स नौकर नहीं हुआ करते हैं। जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप हो गया, वो कभी नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया नहीं बनेगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कब तक परमानेंट हो जाएंगे, कब तक नौकरी मिल जाएगा, उनका बात कर रहा हूँ। उनको ठीक है छोड़ दो, नौकरी वोकरी के लिए ऐसे ही ढूंढते रहेंगे। उनको लाख समझाता हूँ कि भाई सब प्राइवेटाइज हो रहा है, मालिक बनने के लिए मोदी साहब कर रहे हैं, आप नौकरी के पीछे और पड़े हो, मालिक बनो। तो मेरा ये वीडियो उनके लिए है जो मालिक बनना चाहते हैं। नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया प्राइवेट नौकरी केस कर देंगे, भाई के नाम पे जायदाद ले आएंगे, उनके लिए ये नहीं है। वो लोग को ठीक है, अपना शक्ति सामर्थ्य वहाँ लगाएं, उनको ठीक है। उनका वो इसलिए जन्म है कि भाई के नाम पे केस करेंगे, प्रॉपर्टी मिल जाएगा। मैं बोला कुंडली कह रहा है कि अगर तुम अपना मेहनत करोगे तो वो सारा प्रॉपर्टी क्या, उसके 1000 गुना प्रॉपर्टी तुम खरीद सकते हो, लेकिन तुम अपने शक्ति सामर्थ्य को वहाँ लगाओ तो क्या करें। जैसे कुछ कुंडली होते हैं ना, सर्वनाशी कुंडली होते हैं, सर्वनाशी मतलब ये नहीं समझना कि वो लोग आगे नहीं बढ़ते, करोड़पति नहीं होते, अरबपति नहीं होते, होते हैं। मलिया एरोप्लेन का भी कंपनी रहेगा, लेकिन लास्ट में भगोड़ा बनेगा। और एक तो क्या नाम है यार, इंडिया एयरवेज कुछ था, वो भी डूब गया ना, क्या कंपनी में, भूल गया उसका नाम, अभी जेल में है वो, जज को मृत्यु मांग रहा था। इसको बोलते हैं सर्वनाशी लोग अपने से। और एक तो भी वही, नाम लेना नहीं चाहता हूँ। तो बाप का पैसा दो भाग कर दिया बीवी के चक्कर में पड़ के, एक भाई तो आगे बढ़ गया, वो बड़ा बिल्डिंग बना के बैठा है, दूसरा सर्वनाशी बन के बैठा है। क्या उनके पास एस्ट्रोलॉजर नहीं थे? थे, फिर उनका सर्वनाश कौन किया? एक सूत्र तो कहता है कि खुद किए, दूसरा सूत्र है, मेरा बात आप मानते हो नहीं मानते हो, उसके टीम लीडर्स, उसके ग्रुप लीडर्स। क्यों? जिंदगी में ये गधे लोग एक ही काम नहीं कर पाया। चलो वो खुद खराब थे, अच्छे थे, अलग बात, उनका चरित्र खराब था, उनका कुंडली खराब था, अलग बात। करेक्ट टीम नहीं था, करेक्ट लीडरशिप नहीं था, जिसके लिए ये हुआ। तो मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे टिप्स बनाता हूँ। मेरा लीडरशिप चैनल संजय जी 75 लीडरशिप गुरुकुल, संजय जी 75 ISOS IPS एजुकेशन गुरुकुल है, आप देख लीजिएगा, 52 चैनल है, तो उसमें आपको टिप्स मिल जाएंगे।
मैं नहीं कह रहा हूँ आप सब्सक्राइब कर लो उसके पीछे जाओ, मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग देता हूँ। इसका मकसद ये भी नहीं कि आप ग्रुप ट्रेनिंग करोगे तो मुझे बुलाओगे, लीडरशिप डेवलपमेंट, एस्ट्रोलॉजिकल लीडरशिप, फिल्टर, ये सब के लिए मेरे को बुलाओ, ये भी नहीं बोल रहा हूँ। वो गृहस्थिति नहीं भी है, अभी आने वाला समय में आएगा। लेकिन इस अस्त शनि और गुरु का ताकत जैसे अभी टॉप में जाएगा और डाउन जाएगा, और पीछे पीछे से जो 2-3 महीना अभी हालत बुरा है, इस पीरियड में आपका क्या कर्तव्य दायित्व है उसको समझाने के लिए काम कर रहा हूँ। अगर इस समय का सदुपयोग इस प्रकार क्षेत्र में करोगे तो गुरु बृहस्पति पंचम में जब इन करेंगे, पावर में आएंगे, शनि उदय होके जब पावर में आएंगे, जब अंगारक और ग्रहण खत्म हो गया होगा, मार्वलस टाइम पीरियड मिलने वाला है आपको, मार्वलस। जो आज इतने में खुश हो रहे हो ना, उस समय उससे ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर इस समय का सदुपयोग इस कंडीशन पे नहीं किए, चाहे मकरू हो, चाहे मटका हो, चाहे मछली हो, मकर कुंभ मीन, मुख्यतः मकर के लिए, उस समय पछताना पड़ेगा सब। और फिर बिन मतलब का मेरे पीछे पड़ोगे कि कुंडली देख दीजिए दोबारा से। बहुत से लोग दोबारा से वाले हैं, बोला जो अभी का लाइन नहीं देख पा रहा हूं, तुम लोगों के पीछे कहां से देखूं। और ये खेत, ये जो मैं बात बोला, ये कभी नहीं सोचना कि खाली बिजनेस, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, पैसा कमाना, उसके लिए नहीं कह रहा हूं। ये उनके लिए भी कह रहा हूं जो शादीशुदा वाले, जो बीबी भाग गई, बीबा भाग गया वाला, उनको भी कह रहा हूं। यही सूत्र, इस सूत्र को वहां लगा लो। एक पति का इंतजार में हो ना, लाइन लगेंगे पति, फिर वो अपना पति खुद का फटेगा और जलेगा, आके पैर में रगड़ेगा। कब? जब आप सोसाइटी और लोगों तक पहुंचोगे। और ये टाइम है वही जहां आप इनको एनकेसमेंट कर सकते हो, अगर आप ईमानदारी से कोशिश करो तो। नया युवक के पास जाओ, बार बार बोला माओवादी उग्रवादी नया युवकों को लेके होता है, नया मरने मारने के लिए तैयार, खून गर्म है, आपका खून ठंडा है, उनको लाओ, उनके अंदर माल भरो, मटेरियल भरो, ऐप्स भरो, उनके अंदर सद्ज्ञान दो, प्रशिक्षण प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि आगे चल के इन्हीं के ऊपर चढ़ के आपको लक्ष्य हासिल करना है। और बोलोगे मेरे पुराने वाले हैं, उनको चेंज करना मुश्किल है, तो फिर आप ना इंदिरा जी बनोगे ना मोदी जी बनोगे। हमारे देश का लीडर है, कुछ तो सीखो इनसे। चेंज करना पड़ता है, सर्कुलेशन करना पड़ता है। एक को बहुत दिन तक एक पोस्ट में बैठा दोगे, जड़ निकल जाएगा, पकड़ के छोड़ेगा नहीं, खुद करेगा नहीं, दूसरे को करने देगा नहीं। तो सिस्टम पे फायर करना पड़ता है, सिस्टम पे ब्लास्ट करना पड़ता है, और वहाँ से वो जो सांप मंडरी मार के बैठा है ना, खून चूस रहा है उस जगह का बैठ के, उसको ब्लास्ट करना पड़ता है, ताकि उसके जीवन में भी चैलेंज आएगा और आपके जीवन में भी प्रोग्रेसिव चैलेंज आएगा, तभी कोई करेगा। आप बोलोगे डिस्टर्ब कर देंगे तो सिस्टम बिगड़ेगा, बिगड़ जाने दो, ऐसा सिस्टम रह के क्या करेंगे। एक धड़ल्ला, आलसी, कुढ़िया, कामचोर, ठग बैठा हुआ है, उसी सिस्टम पे चला रहा है, क्योंकि हर नौकर चाकर वाला मानसिकता पता है ना, वे लोग उतना ही करते हैं जितना उनको पता है कि कर देने से मेरा पेमेंट हो जाएगा और मालिक खुश हो जाएगा, उससे आगे सोचते नहीं हैं वो लोग, आगे तक करते नहीं हैं। लेकिन जब उनको प्रॉब्लम, चैलेंज, कॉम्पिटिशन में डालोगे तो उनका नींद टूटेगा, आलसीपन टूटेगा, हो सकता है आपका भी फटेगा, नो डाउट। लेकिन इस फटने में आपको एक प्रिपरेशन मिलेगा। ठीक है, मेरा बात में आप सहमत ना हो, आपका जैसा चल रहा है चलने दें, लेकिन नया प्रोसेस को स्टार्ट करने का जो मौका है साढ़े साथी वालों का, इस समय आपके लिए यही है, ये टाइम जोन, ये दोनों का परिस्थिति बताया, शनि और गुरु बृहस्पति का। और अगर इसको आप समझ सकते हो मेरा कहने का, ऐसा नहीं कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन और चिंतन के साथ, विचार के साथ हम लोगों के दिमाग में कोई भी बात आए, ऐसा नहीं आता है,
क्योंकि दिन रात 24 घंटा 27 नक्षत्र 9 ग्रह 12 राशि 108 नवमांश हर एक डिग्री 360 डिग्री का सर्च रिसर्च करते रहते हैं। और उतना ही नहीं, तिथि वार नक्षत्र होरा लग्न राशि हर चीज़ को उतना सारा को चबा चबा के हजम कर करके फिर जाके निकालते हैं। तो बाप, जो लोग का बिजनेस डूब गया है, बड़े बड़े कंट्रैक्टर्स, बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े फैक्ट्रीज इत्यादि हैं, बिना हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, भीख मंगा हो गए हैं, उधारी में कुंडली देख लो, बाद में पैसा दूंगा वाले भी हैं। ना बोला नहीं, यही मेहनत है चाहिए आपको। तो वो जो एफर्ट है उसके लिए नया बिल्डअप का टाइम है ये, नए लोगों को ढूंढना, नए एनर्जी को ढूंढना, और ढूंढना नहीं फिल्टर करना और ट्रेनिंग देना तभी। और ये टाइम है जो इस काम के लिए देखना, बहुत सपोर्ट मिलेगा और एक अच्छा सफलता, राइट टीम और राइट टीम लीडिंग एंड राइट टीम बिल्डिंग। थैंक यू।